नमस्कार, अजय जी टॉक चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आधार कार्ड में अपना एड्रेस चेंज कैसे करें। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आपको उस पर क्लिक करना है, आप इस पेज पर आ जाओगे। जैसे आप इस पेज पर आओगे, आपको स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि डाउनलोड आधार, चेक इनरोलमेंट अपडेट या फिर बुक एंड अपॉइंटमेंट। तो आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करने के लिए आपको बुक एंड अपॉइंटमेंट पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पेज पे पहुंचोगे तो आपको बहुत सारी फैसिलिटी मिलेगी, जैसे कि बुक एंड अपॉइंटमेंट। दिस फैसिलिटी इज अ बुकिंग फॉर अपॉइंटमेंट एट अ आधार सेवा केंद्र। तो यहाँ पर अपना फ्रेश आधार कार्ड कर सकते हो, नेम अपडेट कर सकते हो, एड्रेस अपडेट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, जनरल अपडेट और फोटो फिंगरप्रिंट भी अपडेट कर सकते हो। तो आपको बुक एंड अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ पर सिलेक्ट का ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपको अपना स्टेट चुनना है, आप कौन से स्टेट में रहते हो। जैसे कि मैं दिल्ली रहता हूँ, तो दिल्ली में भी आप बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है, अक्षरधाम, इंद्रलोक। तो आपके घर के जो पासवर्ड है आप वो सिलेक्ट कीजिए। जैसे कि मैंने अक्षरधाम पे क्लिक सिलेक्ट करा, तो प्रोसीड टू बुक अपॉइंटमेंट पे आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज में आप पर आपके सामने कुछ ऑप्शन आएंगे, जैसे कि आधार अपडेट, जो पेज पे अभी हम हैं उसके बगल में ही न्यू आधार, आप चाहो तो न्यू आधार के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर मैनेज अपॉइंटमेंट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो अभी आपको यहाँ पर आधार अपडेट करना है, तो आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालिए, कैप्चा भरिए और जनरेट ओटीपी पे क्लिक कीजिए, अपना ओटीपी डालिए और वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आपके सामने ये पेज ओपन होगा। तो रेजिडेंट टाइप क्या है, रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो हम रेजिडेंट है, तो आपको इस पे ऑटोमेटिक क्लिक हो रखा है। अपडेट अपॉइंटमेंट टाइप जो अपडेट है वो ऑटोमेटिक अपडेट हो रखी है। तो नीचे आपको क्या करना है, अपना आधार जो नंबर है वो लिखना है, और उसी के नीचे आपको नेम ऑन आधार, आधार पे क्या नाम है आपको वो लिखना है। तो आप डिटेल में भर दी है। तो अब दोस्तों आपके बगल में है एप्लीकेशन वेरिफिकेशन टाइप, आप कैसे वेरीफाई करोगे। तो हम डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, तो डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिक सिलेक्ट है। स्टेट क्या है, अपना स्टेट सेलेक्ट कीजिए, जैसे कि मेरा दिल्ली, तो मैंने दिल्ली सेलेक्ट करा। सिटी कौन सी है, न्यू दिल्ली। और जो आपके घर के आसपास है कौन सा ब्रांच है, तो वो सिलेक्ट कीजिए, जैसे अक्षरधाम में, और नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। इस पेज पे आपको सिलेक्ट करना है कि क्या आपको चेंज करना है, आपको नेम चेंज करना है, जेंडर चेंज करना है, मोबाइल नंबर अपडेट करना है, ईमेल आईडी चेंज करनी है, या फिर एड्रेस अपडेट करना है, या फिर डेट ऑफ बर्थ करना है। तो जो भी आपको चेंज करना है आप उन पर सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने एक एक करके सबको सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ आपको, जैसे कि ईमेल आईडी भी मैंने सिलेक्ट करी, एड्रेस भी सिलेक्ट करा। तो नीचे जैसे जैसे आप सिलेक्ट करोगे नीचे बॉक्स ओपन होते जाएंगे। इसकी जो फीस है दोस्तों 50 रुपये की है, वो आपके सामने कुछ इस प्रकार आ चुकी है। तो यहाँ पर आपको अगर अपना नाम चेंज करना है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि प्रूफ क्या क्या लगेंगे। ये कुछ प्रूफ है कि आप ये डॉक्यूमेंट सबमिट करके अपना नाम चेंज करवा सकते हो। अगर आपके पास ये है तो आप उसको सिलेक्ट कीजिए। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको जो नेम है उसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि मुझे नेम चेंज नहीं करना। पर मैं आपको एक बार डिटेल दिखा देता हूँ कि अगर आप शादीशुदा हो तो आप मैरिज सर्टिफिकेट भी लगा सकते हो नेम चेंज करने के लिए। अगर आपकी शादी हुई है, अभी किसी अगर आप लड़की हो, आपकी शादी हुई, तो आप सर्टिफिकेट दिखा सकते हो, या फिर एमएलए के सिग्नेचर करवा के दिखा सकते हो, इससे आपका नेम चेंज हो जाएगा। तो अभी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पर दोस्तों अपना एड्रेस जो है वो चेंज करना है। तो इसके बगल में दोस्तों मैंने अपनी ईमेल आईडी डाल दी, तो मेरे को ईमेल आईडी अपडेट हो जाएगी, और न्यू मोबाइल नंबर भी यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर मेरे को अपना एड्रेस अपडेट करना है, तो यहाँ पर आपको जो डिटेल है वो सब आपको भरनी है। तो मैं दिखा देता हूँ कि प्रूफ के लिए क्या लगेगा यहाँ पर आपको, एड्रेस प्रूफ के लिए आपको क्या लगेगा। अगर आपने अभी शादी कर रखी है और आपको दूसरे जगह का एड्रेस दिखाना है, तो आप यहाँ पर अपने हस्बैंड का पासपोर्ट भी दिखा सकते हो, या फिर आपको एमएलए के दफ्तर में जाना पड़ेगा, वहाँ पर आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको वो सर्टिफिकेट भी जमा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको अब जो अपना नया एड्रेस है वो डिटेल यहाँ पर आपको भरनी पड़ेगी, जैसे कि मैंने पिन कोड, विलेज, पोस्ट ऑफिस क्या है, वो सारी डिटेल यहाँ पर भर दी है। जैसे पिन कोड ये रहा, विलेज, पोस्ट ऑफिस, आपका विलेज कौन सा है, आपका टाउन कौन सा है, वो आप सिलेक्ट कीजिए। अपनी जो एड्रेस है वो सारी डिटेल यहाँ पर आपको सही तरीके से भरनी है। जहाँ पर सी ओ है, तो यहाँ पर लिखा है वाइफ ऑफ, जो मैंने लिखा हुआ है, तो आप क्या करिए इसको रिमूव कर देना, और हाउस जो नंबर लिखा हुआ है वहाँ पर लिख देना W/O लिख देना, मतलब कि वाइफ ऑफ के आगे आप एड्रेस लिख देना। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा ऊपर लिख दिया था। तो अब आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है, एक बार डिटेल को अच्छे से चेक कर लेना। आपको कब अपॉइंटमेंट सेलेक्ट करनी है वो डेट सेलेक्ट कीजिए, टाइमिंग सेलेक्ट कीजिए, जैसे कि मैंने 12:10 की टाइमिंग सेलेक्ट कीजिए करी है। उसके बाद आपको यहाँ पर सारी डिटेल आ जाएगी कि आपकी जो अपॉइंटमेंट इस तारीख को है, इतने बजे है, और ये है वहाँ का एड्रेस। डिटेल को एक बार वेरीफाई करना है, उसके नीचे नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना। तो यहाँ पर दोस्तों एक बार अपॉइंटमेंट के वो डिटेल आ चुकी है, तो एक बार आपको अच्छे से चेक कर लीजिए, पूरी वेरीफाई कर लीजिए कि कोई आपने कोई गलती तो नहीं कर दी है कि डिटेल भरने में। तो एक बार अच्छे से इसको वेरीफाई करने के बाद आपको सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना है। तो डिटेल को एक बार अच्छे से चेक कर लेना। अब नेक्स्ट पेज पे दोस्तों आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, तो आपको ओके वाले बटन पे क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज मेक अ पेमेंट, तो ओके पे क्लिक कीजिए, करा, यहाँ पर ऑनलाइन पे सिलेक्ट करा,
फिर पे यू पे क्लिक करा, फिर यहाँ पर लिखा हुआ कि आप पेमेंट कैसे करोगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई। मैंने नेट बैंकिंग सेलेक्ट करा, मेक पेपर पे क्लिक करा तो आप पेज ओपन हो जाएगा। तो आपने जो नेट बैंकिंग है उसको सिलेक्ट कीजिए, पॉजिटिव बटन पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल के पेमेंट कर लीजिए। मैंने पेमेंट कर दी है तो कुछ तक की रिसिप्ट निशान में आ चुकी है। तो आप पेमेंट रिसिप्ट पे क्लिक करके जो अपनी रिसिप्ट है वो यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। तो इन रिसिप्ट को डाउनलोड करने के बाद जब आप अगले दिन जबकि आपकी अपॉइंटमेंट होगी उस रिसिप्ट को लेकर आप अथॉरिटी पर जा सकते हो, वहाँ पर अपनी डिटेल को सबमिट करके अपना एड्रेस, आधार कार्ड या फिर जो भी आपको चेंज करवाना है वो चेंज करवा सकते हो। तो दोस्तों वीडियो में बस इतनी, आई होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।